आज ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हमारे सामने कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई चुनौती ना आती। 21वीं सदी में अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आ रही है तो इसका मतलब है हम कुछ कर ही नहीं रहे। जो व्यक्ति कुछ करता है, कुछ नया करता है, उसके पास कोई ना कोई समस्या आती जरूर है। कहते हैं गलतियां उसी से होती हैं जो कुछ नया करता है, जो करे ही ना तो गलती क्या होगी। उसी तरह हम जो कुछ करते हैं जीवन में, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विघ्न रुकावट आती जरूर है। चाहे कोई हमें क्रिटिसाइज करे, हमारी आलोचना करे, हमारे बारे में भला बुरा कहे, हमारे ऊपर कोई कमेंट करे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या आज के युग में हमारे पास आती है। और हम क्या करते हैं, उस समस्या को कई बार पकड़ कर बैठ जाते हैं, उस समस्या की रिसर्च चालू कर देते हैं, उसकी PhD शुरू कर देते हैं। और जितना आप समस्या का चिंतन करते हैं, समस्या उतना ही विकराल रूप लेती जाती है। और जितना आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो समस्याएं ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, समस्या ना आए तब आप खुश रहें ऐसा होने वाला नहीं है। समस्याएं आए पर समस्याओं के प्रति अगर आपका दृष्टिकोण सही हो, आपका नजरिया सही हो, तो समस्याएं होते हुए भी आप समस्याओं का आनंद ले सकते हैं। आप हार में भी जीत महसूस कर सकते हैं अगर आपने अपना दृष्टिकोण सही रखा। समस्याएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी अगर आप खुद से पॉजिटिव रहे तो। कहते हैं एक बार एक सेठ था, सेठ का दिवाला निकल गया, सब कुछ खत्म हो गया, फैक्ट्री का मालिक था, फैक्ट्री कंगाल हो गई, लेकिन वो फिर भी खुश था, फिर भी उसके चेहरे पे मुरझाहट नहीं थी। लोगों ने हैरानी से पूछा कि आपका सब कुछ खत्म हो गया फिर भी आप नॉर्मल हैं, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप डिस्टर्ब नहीं हुए। तो उसने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि जब मैं गांव से शहर में आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो बनाया यही बनाया, आज कम से कम मेरे पास पहने हुए कपड़े तो हैं, कंपनी ही डूबी है, मैं तो जिंदा हूँ, मैंने पहले भी उसे बनाया था, अब दोबारा से बना दूंगा। सोच सोच का फर्क है, अगर सोच सही है तो कितने भी विकराल परिस्थिति आ जाए हम घबराएंगे नहीं, हम हमारी अंदर निराशा नहीं आएगी, हमारा उमंग उत्साह बना रहेगा। लेकिन होता ये है जब समस्याओं के साथ हमारा आमना सामना होता है तो हम बार बार समस्या का चिंतन करते हैं, मेरे पास ये समस्या, ये विघ्न, ये रुकावट, ये कठिनाई क्यों आई, मेरा लगता मुकद्दर ही खराब है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता, भगवान भी मेरे से नाराज है, लगता मेरे ऊपर ग्रहचारी बैठ गई है, मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। जब ये चिंतन हमारे मन में हावी होता है तो समस्या और बढ़ जाती है, छोटी सी बात बड़ी लगने लग जाती है। समस्या जो रूई की तरह है अभी, वो आपको पहाड़ की तरह नजर आने लगेगी क्योंकि आपका चिंतन सही नहीं है। समस्या को बला भी कहते हैं। समस्या से कभी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या उसी के पास आती है जो बहादुर होता है। भगवान समस्या उसी के पास भेजता है जिनके पास समस्याओं से टकराने की, समस्याओं से लड़ने की ताकत होती है। कमजोर आदमी के पास कौन भेजे, वो तो पहले मर रहा है। पहलवान कुश्ती आपने देखी होगी, दो पहलवान बराबरी के लड़ाए जाते हैं,
ये नहीं कि एक ताकतवर हो और एक बेचारा मरियल सा हो, उसको तो नहीं भिड़ाया जाता। तो आपके पास अगर बड़ी समस्या आ रही है, इसका मतलब आप बहुत बड़े आदमी हैं या आप बड़े बनने वाले हैं। अगर आपने उस समस्या के ऊपर जीत पा ली तो आने वाले टाइम में आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। रुस्तम के साथ समस्या रुस्तम बन के लड़ती, जो रुस्तम होगा ना पावरफुल होगा, उसके पास उतनी पावर वाली समस्या आएगी। अब एक छोटा सा आदमी है, उसको कितनी बड़ी समस्या आएगी, रोजी रोटी की आ गई, खाने की आ गई। और एक देश का प्रधानमंत्री है, उसके पास रोजी रोटी की तो समस्या नहीं, उसकी समस्या उस लेवल की है। अगर आपके पास आपको लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो सोचना मैं प्रॉब्लम से भी बड़ा हूँ, तभी तो प्रॉब्लम मेरे पास आई है। प्रॉब्लम मुझे पावरफुल बनाने के लिए आई है, याद रखना। प्रॉब्लम पावरफुल, ताकत, मेरी ताकत को बढ़ाने के लिए आई है। कहते समस्याएं हमारे इम्तिहान है, ये हमारा पेपर है। तो बच्चों के पेपर लगे हुए हैं, अगर किसी बच्चे का पेपर ही ना हो, पढ़ते रहो पेपर ना हो, तो फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाएगा कि वहीं रहेगा? तो पेपर आते हैं वो खुशी की चीज़ है, घबराने की चीज़, क्योंकि पेपर होंगे तभी तो अगली जमात में प्रमोट होंगे। उसी तरह जीवन में समस्याएं हमारे इम्तिहान हैं, ये जिंदगी इम्तिहान है, हर पल हमारा इम्तिहान चल रहा है। उसमें अगर हम पास होते हैं तो हम एक स्टेप ऊपर उठ जाते हैं, हमारी प्रमोशन हो जाती है। इसलिए जब भी कोई रुकावट जीवन में आए, कठिनाई आए, तो सोचना समस्याएं मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, ये मेरा इम्तिहान है, इस पेपर में मुझे पास होना है, मुझे विजयी बनना है। डर कम करना है समस्या का, डरना नहीं है कि अरे मेरे पास आ गई समस्या क्या करूं, छिपके बैठ गए। जो बहादुर होते थे ना पुराने जमाने में, जब उन पे हमला होता था तो बहादुरी से लड़ते थे, पीठ नहीं दिखाते थे, इसे बहादुर कहते हैं ना। तो हम भी बहादुर हैं, समस्या आएगी मैं डट के उसका मुकाबला करना है। इसलिए किसी ने बड़ा शानदार बात कही है, ऐ बला, समस्या को कहा बला, ऐ बला तू आ, तेरे आने से बरकत होगी, तेरे आने से बरकत होगी, तेरे पीछे छिपी उस रहमान की रहमत होगी। आप सोचो उसकी रहमत अगर मेरे ऊपर आ रही आएगी समस्या के थ्रू, वो मेरी परीक्षा चल रही है। किसी ने एक और अच्छी बात कही, जिसे वो देना चाहता है, कौन कौन, ऊपर वाला, जिसे वो देना चाहता है उसी को आजमाता है, उसको ही परखता है। जिसे देना चाहता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। तो आपके ऊपर खजाने आने वाले हैं, आपको कुछ मिलने वाला है, इसलिए समस्या आई है, इसलिए समस्या का वेलकम करना है। जब समस्या सामने आ जाए तो सदा यही सोचना, पहला विचार लाना कि ये समस्या मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है, ये मेरे फायदे के लिए आई है। दूसरा विचार मन में लाना, मेरे साथ वो सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा है, समस्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहाँ भगवान खड़े हैं और जहाँ मेरे जैसा धनुर्धर अर्जुन है, वहीं जीत पक्की है। भगवान जिसका साथी हो, भगवान जिसका सारथी हो, उसके आगे समस्या उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तीसरा विचार मन में लाना है, समस्या बहादुर लोगों के पास आती है, कमजोरों के पास नहीं। अगर मेरे पास समस्या आई है तो मैं बहादुर हूँ और मेरे पास ताकत है उस समस्या के ऊपर जीत पाने की।
चौथा विचार मन में लाना है, मैं शेर हूं और समस्या केवल मेरे आगे छोटी सी बकरी है, वो बकरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पांचवा विचार लाना है मन में, कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, समस्या आई है तो ये आज आई है कल चली जाएगी, कोई चीज परमानेंट नहीं होती। कोई घर मेहमान ऐसा होता है तो परमानेंट आपके घर बैठ जाए, आज वो आई है कल चली जाएगी। और लास्ट विचार मन में लाना है, जैसे दुनिया में कोई ऐसा ताला अब तक नहीं बना जिसकी चाबी ना बनी हो, चाहे गोदरेज का हो किसी भी बढ़िया से बढ़िया कंपनी का हो, हर ताले की चाबी बनी है, उसी तरह जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान भी बना हुआ है, बस वो हमें ढूंढना है कि इसका समाधान क्या है। अगर ये चिंतन समस्या के बारे में लाएंगे तो समस्या स्वरूप नहीं हम क्या बन जाएंगे, समाधान स्वरूप बन जाएंगे। समस्याएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। अब एक छोटा सा गीत बजेगा, जब जीवन में मुश्किलें आए तो क्या करना चाहिए, जब जीवन में कुछ बात आए तो क्या करना चाहिए। भगवान को खुदा को ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उसे ये कहो मुश्किलों को कहना है हमने कि तुम्हारे से बड़ा खुदा मेरे साथ है। भगवान जिसका साथी है उसे कोई भी चीज दुनिया की रोक नहीं सकती, और हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, और मैं सक्षम हूं उसका हल निकालने में। तो इसी बात को लेके बढ़िया सा गीत आपके पास आ रहा है, आप गुनगुनाएंगे साथ में, तालियां बजाते रहेंगे। किसके लिए गड़ा है, तूफानों से लड़ने के लिए आपको बनाया गया है, इसलिए ताकि आप डट के मुकाबला कर सके मुसीबतों का। छोटे बच्चे की तरह रोते रोते घर ना आए डर के मारे जब समस्या आ जाए, बल्कि उसके ऊपर जीत पा के वापस आए। तो ये समस्याएं जीवन में आनी है, आती हैं, कलयुग में तो और ज़्यादा आती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं होता। जब जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते, जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें लगता है कि क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए उसके लिए। कई तरह के तरीके, कई तरह की बातें लोग आपको बताएंगे, लोग कहेंगे आपके घर में झगड़ा होता है, आपके घर की एनर्जी सही नहीं है, आपके घर के वाइब्रेशन ठीक नहीं है, उसको ठीक कीजिए। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे घर के वाइब्रेशन ऊर्जा सही हो जाए, पॉजिटिव एनर्जी हमारे परिवार हमारे घर में रहे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम बदलें, क्या क्या बदलाव लाएंगे ताकि सब ठीक हो जाए, क्या क्या बदलना पड़ेगा बताइए। सोच बदलनी पड़ेगी, उसको आपने 6 दिन से सुन रहे हो इसलिए अब सही बोल रहे हो, लेकिन जो लोग आपको मिलेंगे वो तरह तरह से आपको कई तरह की बातें बताएंगे। कोई कहेंगे आपके घर में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपका कमरा सही नहीं है, आपका दरवाजे की डायरेक्शन सही नहीं है, और हम बिना सोचे 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं कि घर तो दूर कमरा तो दूर हम तो अपना घर भी बदल देंगे ताकि सब ठीक डायरेक्शन ठीक हो जाए। लेकिन जब तक मन की डायरेक्शन को बेस्ट नहीं बनाया, ध्यान से सुनना, जब तक मन की डायरेक्शन को बेस्ट नहीं बनाया, आप कितना ही बढ़िया
कमरे का डायरेक्शन कर लो, अपनी दुकान का डायरेक्शन कर लो, इतना ही बढ़िया बेस्ट वास्तु आप लगा दो, लेकिन अगर मन को बेस्ट नहीं बनाया तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आज दुनिया में लोग अपने घर वास्तु के हिसाब से बना रहे, अच्छी से अच्छी डायरेक्शन के बना रहे हैं। क्या घर में सब ठीक ठाक चलता है? क्या घर में सब ठीक ठाक चल रहा है? जिस चीज को सही करना था वहां तो वर्क नहीं किया, और जहां नहीं करने की जरूरत वहां काम कर रहे हैं। आज शादियां होती हैं, जितनी भी शादियां होती हैं सब जन्म कुंडली मैच करके बना रहे हैं, करते हैं ताकि सब ठीक रहे। शुभ मुहूर्त पे करते हैं या नहीं करते? शुभ दिन पे करते हैं या नहीं करते? फिर भी शादी क्यों टूट जाती है? फिर भी तलाक हो रहे हैं, फिर भी अनबन हो रही है। इसका मतलब केवल टाइम शुभ नहीं होता, मन को भी शुभ बनाना पड़ता है। मन अगर शुभ है तो आपके लिए हर घड़ी शुभ मुहूर्त है, आपके लिए हर दिन शुभ है, आपके लिए हर दिशा शुभ है। हम मन को शुभ नहीं बना रहे, बाकी बाहर की चीजों में लगे हुए, और हम सोचते हैं कि वो करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब तक आपने मन की डायरेक्शन को ठीक नहीं किया तो बाहर आप कितना भी ठीक कर लो, आपकी समस्या ठीक होने वाली नहीं है। घर की एनर्जी घर की दिशा से नहीं बनती, घर में रहने वाले लोगों की सोच से बनती है, घर में रहने वाले लोगों के बोल से बनती है, घर में रहने वाले हर व्यक्ति के कर्म से बनती है। जब तक सोच बोल और व्यवहार हर व्यक्ति का सही नहीं होगा तो घर का वातावरण सही बनने वाला नहीं है। लोग बड़ा सुंदर घर बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया घर बनाएंगे, बाहर एक काला सा चेहरा लगा देंगे, किसके लिए लगाते हैं? नजर बटू लगा दो, किसी की नजर बुरी नजर ना लग जाए। अब किसी की नजर बुरी होती है या हमारे कर्म बुरे होते हैं? कर्मों को तो सही करना नहीं, दूसरे की नजर को दोष दे रहे हो। बेचारा आंखों से देख रहा है, जैसी आंखें हमारी हैं वैसी उसकी, उसकी आंखों से कोई आग निकल रही है जो उसकी नजर लगेगी और आप भस्म हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, अपने कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पे दोष देते हैं। फिर कई लोग नींबू मिर्च लगा दे, क्या उससे बाहर की एनर्जी रुक जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? वो लगा दिया, कितनों ने लगाया होता है, उनके घर में ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। कितनी बातों में हम उलझे रहते हैं, लेकिन जो चीज करनी है वो करनी रहे। चीज वही थी कि दूसरे की नजर का असर आप पे तब नहीं होगा जब आप मन से सही सोचेंगे। अगर आपका मन सही सोचेगा दुनिया की कोई चीज आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। आपके मन की ताकत, आपकी आत्मा की ताकत, बाहर की जितनी भी एनर्जीज हैं उनकी ताकत से कई गुना पावरफुल है। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने को कमजोर मत समझो, आप में बहुत ताकत है। कोई दुनिया की चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम बिगाड़ते हैं तो खुद अपना बिगाड़ते हैं, अगर बनाते हैं तो वो भी हम बनाते हैं। हम अपने भाग्य विधाता खुद हैं, दूसरे के कारण हमारा भाग्य बिगड़ने वाला नहीं है। हमें सारा का सारा ध्यान किस पे देना है? अपने ऊपर देना है। आत्मा की ताकत इतनी ज्यादा है, और उसमें अगर परमात्मा की ताकत भी ऐड हो जाए, अगर आप हर रोज परमात्मा को याद करते हैं, उससे हर चीज शेयर करते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो आपकी ताकत एक नहीं एक से 11 बन जाती है। जिस घर में परमात्मा की याद होगी उस घर में सब अच्छा ही होगा। याद रखना, कोई आपको कहे आपका झगड़ा हो रहा है, आप
ये कर दो वो कर दो, आप अपना मकान करवा दो। आपने उसको कहना मैं कुछ नहीं करने वाला, मैंने केवल यहाँ काम करना है, मैंने अपने मन को सही करना है, मेरे घर में झगड़ा नहीं होगा, मैं झगड़ने वाला नहीं। और अगर आपने मन में विश्वास डाल दिया कि ये कह रहा है कि ऐसा है कहीं ऐसा तो नहीं, अगर वो बहन डाल दिया, वो नेगेटिव विचार मन में डाल दिया तो वैसा ही हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काटे बुरा होता है, सुनते आए, बिल्ली आपका बुरा भी कर रही, बिल्ली का क्या बिगाड़ा आपने जो आपका बुरा करी। किसी ने कहा आप जल्दी में हैं और बिल्ली रास्ता काट जाए तो इसका क्या मतलब है कि बिल्ली हमसे ज्यादा जल्दी में है, इतना मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो बेचारी अपने रास्ते से जा रही है और हमने मान लिया कि अब तो मेरा शगुन होगा ही होगा। बिल्ली बुरा नहीं कर रही है, आपकी गलत मान्यता आपकी बुरा कर रही है, आपका गलत विश्वास, उसे अंधविश्वास कहते हैं। आपने जो मान लिया कि इसके कारण मेरा बुरा होगा तो हो जाएगा बुरा, क्योंकि जो आप सोचेंगे जैसा आप मानेंगे वैसा ही होगा। तो आप क्यों गलत मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं? आपने एक ही मान्यता रखनी है कि मेरा बढ़िया बढ़िया और बढ़िया ही होना है तो बढ़िया होगा। कितनी बड़ी चीज है, हमारी एनर्जी बाहर की चीजों को ठीक करने में लग रही है। आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, लोग कहेंगे कि आपके साथ ये बात इसलिए हो रही है, आप अपना मकान बदल दो, आप अपनी दुकान बदल दो। वो मकान बदलने को रेडी है, दुकान बदलने को रेडी है, वो अपना नाम भी बदलने को रेडी है, कहीं कहते नाम ही गड़बड़ है तेरी, कपड़ों का रंग बदलने में रेडी है, मियां बीवी में बन नहीं रही, वो आपस में एक दूसरे को बदलने के लिए तैयार है, नौकरी बदलने के लिए लोग तैयार हैं, पर जिसे बदलना था उसको नहीं बदल रहे। बदलना तो खुद को था, अपनी सोच को सही करना था, अपनी सोच को पवित्र बनाना था, प्योर करना था। इतनी सारी चीजों को कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बदलना है तो सिर्फ अपना सोच, अपने विश्वास, अपनी मान्यता और अपने साथ उस परमात्मा की ताकत रखना, आपका हमेशा भला ही होगा। याद रखना कि भगवान ने मुझे वरदान दे दिया कि बेटा आज से तेरा भला ही होना है, आज से तेरे खुशियों के दिन शुरू हो गए। आपने मन में ये प्रोग्राम डाल दिया तो वैसा ही होने लग जाएगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। हम अपनी सृष्टि खुद बनाते हैं, हम अपना संसार खुद बनाते हैं, क्योंकि इन चीजों के पीछे जब हम जाते हैं बाहर की चीजों में, हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगती है। हम दूसरों को दोष देते हैं इसलिए उनको ठीक करना चाहते हैं, दोष हमारा था उसके ऊपर काम नहीं करते। अब हमने वो काम करने हैं, अगर समस्याओं से लड़ना है, जिससे हमारी आत्मा की ताकत बढ़े, जो घटे वो वाले नहीं करना है। आज हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है, अब उसको वो काम करना है जिससे चार्जिंग हो। आप कई लोग सही रास्ते पे जानते हुए भी नहीं चल पाते, जानते हैं कि ये सही है ये गलत है, उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती कि हम चले। महाभारत में श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे थे, वो कहता दुर्योधन कि मैं जानता हूँ सही क्या है गलत क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, सच क्या है झूठ क्या है, पर मेरी तो इच्छा ही नहीं होती सच पे चलने की, मेरी तो इच्छा ही नहीं होती सही पे चलने की। अब जिसकी ये हालत हो उसका कुछ नहीं हो सकता। आप सवेरे सवेरे घर से निकले, गाड़ी लेके चले और चौराहे पे रेड सिग्नल था, आप रुके नहीं, आपने सोचा सवेरे का टाइम है अभी काहे को रुकना, निकल लो। आपने रेड सिग्नल तोड़ दिया और आप आगे चले गए। आपसे पीछे चार पांच लोग और आ रहे थे, उन्होंने देखा ये भी जा रहा है तो हम भी जाते हैं। एक ने रूल तोड़ा, उसको देख के दूसरे भी रूल तोड़ रहे। अब आपने रूल तो तोड़ दिया, आगे भी निकल गए, कितना टाइम बचा आपका, कितना टाइम का फायदा हुआ आपको, केवल और केवल आधे मिनट का, आधा मिनट आपने बचा लिया, लेकिन साथ में एक बुराई अपने जीवन में ले आए।
अपने संस्कारों को बिगाड़ दिया, वो संस्कार बिगड़े, आपने नियम मर्यादा रूल को तोड़ने का संस्कार अपने अंदर ले आए, आपने अपनी अच्छी आदत खराब कर दी आधा मिनट बचाने के लिए। और जितने आप नियम और मर्यादा को तोड़ेंगे जीवन में, आज वहां तोड़ा कल को कहीं और तोड़ेंगे, क्योंकि वो आपकी आदत है। और धीरे धीरे जितने रूल तोड़ने की आदत पड़ेगी, आपकी आत्मा की शक्ति कम होती है। अब आप तो चलेंगे, उसके बाद एक व्यक्ति आया, उसने सोचा कि मैं नहीं तोड़ूंगा रूल, वो रुक गया रेड सिग्नल पे। अब पीछे से चार लोग और आए, वो नहीं रुके, वो चले गए और उसके ऊपर हंसने लगे, देखो सवेरे सवेरे खड़ा है, कोई नहीं है फिर भी खड़ा है। अब जब उसके ऊपर हंसे, उसे बुरा लगा, मेरे ऊपर टॉन्ट कर रहे हैं, उसने सोचा मैं भी निकल जाता हूँ, वो भी चला गया। अब एक और व्यक्ति आया, उस रेड सिग्नल था, वो रुक गया, उसके ऊपर भी लोग हंसे और उसने बुरा नहीं माना, उसने कहा कि ये फॉलो करें या ना करें, मुझे रूल फॉलो करना है। वो व्यक्ति रुक जाता है और वो व्यक्ति अपना भाग्य का विधाता खुद बनता है। वो व्यक्ति संसार के अनुसार जीवन नहीं जीता कि लोग गलत कर रहे हैं मैं भी गलत करूं, वो अपना जीवन सही और गलत के हिसाब से बिताता है। और वो आत्मा जब उसके पास कोई समस्या आती है तो समस्या उसके सामने खड़ी नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि वो अंदर से मजबूत है, उसके पास ताकत है सिस्टम के अनुसार नियम के अनुसार चलने की। ये छोटी सी एक बात है, हम हर जगह ऐसा करते हैं, कोई देख नहीं रहा निकल लो, कोई देख नहीं रहा उठा लो, की पेपर देने गए, किसी ने एग्जाम चले हैं, कई बार कई जगह नकल कराई जाती है, नकल खुद भी कर रहे हैं दूसरा भी करा रहे हैं, सोच रहे हैं हम बड़े बंदे आदमी बन जाएंगे। और जो महान होते हैं ना, शायद महात्मा गांधी का एग्जाम्पल है, उसे भी नकल दी थी पर उसने की नहीं, उसने बचपन में ही अपनी बात बता दी थी, उसको दिया गया कि आप लिख दो, उसने नहीं लिखा, तो अंदर से मजबूत था, ताकतवर था, तभी तो, नहीं तो लालच में आके आदमी कहेगा कौन, किताब खोलो लिख दो नंबर आ जाएंगे। जो नियम के अनुसार चलता है ताकत उसी के पास आती है। कल हमने सीखा था हरेक के लिए हमने अच्छे वाइब्रेशन देने हैं, हरेक के लिए अच्छी एनर्जी देनी है, सबके लिए ब्लेसिंग्स देनी है, सीखा था हमारे से केवल प्योर प्योर और प्योर एनर्जी निकलनी चाहिए। अगर वो प्योर एनर्जी निकलेगी तो जीवन की हर चुनौती का हम हंसते हंसते मुकाबला कर सकेंगे। हर एक के लिए अच्छा सोचना है। अब ये प्रैक्टिस करते हैं, सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। अपने अपने स्थान पे खड़े होके जो आपके साथ दूसरा व्यक्ति खड़ा है उसकी तरह मुंह कर लो, आपस में पेयर बना दो, जोड़ा बना लो, दो दो का जोड़ा बना दो, दो दो आपस में एक दूसरे की मुंह करके एक दूसरे को अच्छी तरह से देखो, उसके आंखों में आंखें डाल के दृष्टि दो और दृष्टि लो, सब करेंगे देखना कितना मजा आएगा आपको। साथी बना लो, जो अकेले खड़े हैं वो भी किसी ना किसी को साथी बना लो। आप जिसे आप देख रहे हैं वो आपको दृष्टि दे रहा है, आप आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा आप चिंतन करेंगे। अब आप उस जो आपका सामने खड़ा है व्यक्ति, उसे कहिए दोस्त मैं मन ही मन, दोस्त मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सदा शुभ रहे। मेरे मित्र आपका सदा भला हो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें।
आपका जीवन सफलता से लबालब भरा रहे। मेरे दोस्त, जीवन में आने वाली चुनौतियों का आप हंसते हंसते सामना करें। मैं यही दुआ करता हूँ कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी आप एंजॉय करें। आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, यही मेरी दुआ है। 20 सेकंड के लिए एकदम मौन हो जाइए। और सोचिए कि सामने जो आपका साथी है वो भी आपके लिए वही दुआ कर रहा है। वो आपके फैमिली मेंबर या वेल विशर की तरह आपके लिए शुभ भावना दे रहा है। उसकी दुआ को महसूस कीजिए। आंखें खोल लीजिए और अपने दोस्त से इस तरह से मिलिए, उस तरह से धन्यवाद कीजिए, गले लग के या हाथ मिला के, जैसे आज ही दिवाली हो, आज ही ईद हो। और उस दोस्त को कहिए, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान हो, आप बहुत हेल्पफुल हो, आप बहुत दयालु हो। हमारी दोस्ती सदा बनी रहे। बैठ जाइए। कुछ भी नहीं अच्छा सोचना। आज कहते क्या हालत हो गई है आज जमाने की, यहाँ तो ट्रेनिंग देनी पड़ रही है मुस्कुराने की। अच्छा सोचना भी सिखाना पड़ रहा है लोगों को। नेगेटिव कहे आदमी इतना हेल्पफुल हो रखा है कि बिना बात के भी नेगेटिव सोचता है। जहाँ पॉजिटिव सोचना चाहिए वहाँ भी नेगेटिव सोचता है, और पॉजिटिव सोचने की बात आए तो वो सोच में पड़ जाता है कि कौन सी विचार मन में लाऊं, क्या सोचूं, किसको पॉजिटिव कहते हैं। जो मैंने बताया यही पॉजिटिव है। सबके लिए भला, हमारे मन से सबके लिए दुआएं, यही राजयोग है, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब है अपनी चिंतन की धारा को पॉजिटिव बनाना है। मेडिटेशन खुद को जानने और खुदा तक पहुंचने की एक यात्रा है, और वो यात्रा तभी पूरी होती है जब हम सही ढंग से सोचना शुरू करते हैं। राजयोग मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, हमें ये क्लियर होना चाहिए क्यों आवश्यक है। जितनी भी चीजें मैंने 7 दिन में आपको बताई, अगर आप उनको प्रैक्टिकल में लाना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि अपने आप को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करना। अगर आप में ताकत कम है तो वो ताकत कहाँ से आएगी, ताकत का स्रोत कौन सा है, वो सर्वशक्तिवान, वो आपको अच्छाई पे चलने की ताकत देगा। ताकत आएगी पर जब कनेक्शन जुड़ेगा, और उससे कनेक्शन जोड़ने का नाम ही राजयोग है। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं वो पावर हाउस है, उससे जुड़ेंगे तो बैटरी चार्ज हो। आज हम सब की बैटरी डिस्चार्ज है, हम सब कमजोर आत्माएं बन चुकी हैं। देखने में हटे कटे लगते हैं, अंदर से कमजोर है। सच नहीं बोल सकते तो कमजोरी हुए ना, किसी की छोटी सी बात नहीं सुन सकते, कह रहे तो दो सुना के आते हैं। वो ये कहता हम दो सुनाते हैं तो कमजोर आदमी है, बहादुर है। तो हम कमजोर बन गए हैं, अब ताकत ग्रहण करनी है उससे जोड़ के। और हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेडिटेशन क्यों करनी है, मेडिटेशन करने से हमें क्या मिलेगा, तभी तो करेंगे ना।
क्यों ध्यान लगाएं परमात्मा का, क्या मिलेगा? क्योंकि दुनिया में बहुत सी मेडिटेशन सिखाने वाले लोग हैं, कई तरह की टेक्निक्स हैं, हर मेडिटेशन टेक्निक का एक अलग लक्ष्य है, अलग विधि है और अलग प्राप्ति है। आपके मन में क्लियर हो कि मैंने क्या करना है और कौन सा मेडिटेशन सीखना है। कोई मेडिटेशन वाले आपको कहेंगे कि अगर आपने अपनी कंसंट्रेशन एकाग्रता बढ़ानी है, उस एक पॉइंट है उसके ऊपर एकाग्र करो, उनकी मेडिटेशन एकाग्रता बढ़ाने के लिए। कोई कहेगा अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपका मन रिलैक्स्ड हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आप थोड़ी गहरी सांस ऊपर नीचे करो, मन ठीक हो जाएगा, उनकी मेडिटेशन मन को शांत करने के लिए। कोई कहेगा अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील करेंगे थोड़े टाइम के लिए, उनकी मेडिटेशन से आप पॉजिटिव फील करेंगे। लेकिन जो राजयोग हम यहाँ सिखाते हैं, राजयोग मेडिटेशन जो भारत का प्राचीन राजयोग है, जो ब्रह्मा कुमारी सिखाती हैं, उस मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है, विधि क्या है और प्राप्ति क्या है? उसका लक्ष्य थोड़ी देर की शांति, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव सोचना, थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करना नहीं है। राजयोग मेडिटेशन का उद्देश्य है अपना पूरे संस्कारों को परिवर्तित करना, कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक साधारण इंसान से अच्छा इंसान बनना, अपने संस्कार दिव्य बनाना, अपनी आदतें सही करना। राजयोग मतलब सही सोचना, सही बोलना और सही करना, ये तीन चीजें हैं तो राजयोग है। तो ये लक्ष्य है राजयोग मेडिटेशन का। अब तक भी तो हम भगवान को याद करते आए या नहीं आए? प्रेयर, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, आरती, बहुत कुछ किया। जब कर रहे हैं तो फिर मेडिटेशन की क्या जरूरत है? कर तो रही है, क्यों मेडिटेशन करनी है? जो अब तक करते आए बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या मन भगवान में लगा? प्रेयर कर रहे हैं, मुंह से अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं, क्या मन भी बोल रहा है? क्या मन तक वो बात जा रही है, मंत्र जाप हो रहा है, क्या वो फीलिंग में आ रहा है, महसूस हो रहा है? क्यों नहीं महसूस हो रहा, क्यों नहीं हमारा मन परमात्मा में लग रहा? सोचने का विषय है, क्योंकि जिसने आरती लिखी, जिसने मंत्र लिखे, बड़े अच्छे सुंदर शब्दों में लिखे, बहुत अच्छी भावनाएं थी उन लोगों की जिन्होंने लिखे, लेकिन किसने लिखे? दूसरे। किसके शब्द हैं? दूसरे के। किसकी भावनाएं हैं? दूसरे। मेरे ना शब्द है ना भावना उसमें है, और मैं उसको लेके केवल रटा रटाया वो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो वो मेरी फीलिंग में नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेरी बात नहीं, मैं अपने दिल की बात नहीं कह रहा। मेरे को जो सिखाया गया मैंने तोते की तरह वही बोलना शुरू कर दिया, इसलिए वो मन वहाँ लग नहीं रहा। दो लोग आपस में बैठे और आपस में उनका कोई रिश्ता बनना है, दोस्ती होनी है, अब दोनों में से एक आदमी डायलॉग कागज से ले और पढ़ना शुरू कर दे तो बातचीत होगी, बातचीत में मजा आएगा दूसरे को। वो कहेगा भाई ये रख ले तू, तो अपनी बात बता, तेरे मन में क्या है, तेरे दिल में क्या है। बातचीत में तो दिल की बात होती है ना, रटी रटाई डायलॉग तो नहीं बोल रहे वहाँ रामलीला की तरह, उनको रटा दो स्टेज पे जाके बुलाएगा। जब जीवन में अगर आप परमात्मा के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, मेडिटेशन मतलब हमारा उसके साथ प्यारा सा नाता, रिश्ता। रिश्ता तब बनता है जब हम दिल ही दिल से उससे बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, किसी और की नहीं। मेडिटेशन में हम अपनी बात करेंगे, किसी और की नहीं। जो अब तक करते आए बातें अच्छी थी, पर थी औरों की। प्रेयर वन वे कम्युनिकेशन है, हम बात कर रहे हैं और उससे कोई जवाब नहीं आता,
लेकिन मेडिटेशन का मतलब आप ही अपनी बात बता रहे हैं और सामने से भगवान भी आपको लगेगा वो भी कुछ बता रहा है, उसकी बात आप तक पहुंचेगी। जब वो आपको बताने लगे जाएगा तो किसी और से पूछने की जरूरत है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, अब ये प्रॉब्लम चल रही है बताओ क्या करूं, फिर आप किससे पूछेंगे, किससे पूछेंगे, उस परमात्मा से डायरेक्ट पूछेंगे। अब आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, आपका डायरेक्ट लिंक है प्रधानमंत्री से, तो आप छोटे मोटे MLA MP किसी के पास जाएंगे, आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री तो हमारा पड़ोसी है, आज ही रहता है प्रधानमंत्री है, आप चुपचाप उससे मिलने चला जाएंगे, तो अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में तो फिर भी लेते हैं अपॉइंटमेंट, परमात्मा से मिलना है तो क्या अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो तो 24 घंटे आपके लिए खाली बैठा है, वो कहता है आप आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, तुम आते ही नहीं है, तुम समस्या आती है तुम दो हाथों वालों दो भुजाओं वालों के पास जाते हो, जैसे द्रौपदी पहले इधर उधर घूमती रही, जब कहीं से हल नहीं मिला तो भगवान के पास आई। भगवान आखिरी सहारा नहीं है, हमारा पहला और सच्चा सहारा वही है, उसके पास जाना है, वो बैठा है आपकी समस्याओं का हल करने के लिए, वो बैठा है आपके काम करने के लिए, वो कहता है आओ, बाहें पसार बाहें फैला के आपको बुला रहा है कि मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा हूँ, मेरे से बात करो, मैं तुम्हारा सब ठीक कर दूंगा। तो हमें मेडिटेशन में उसके पास जाना है, उससे कनेक्शन जोड़ना है, वाया वाया इधर उधर से जाएंगे तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, सीधा हमारा उसके साथ कनेक्शन है, वो हमारा पिता है, हम क्यों किसी से पूछें, क्यों बीच में किसी और को डालें, बाप और बेटे के बीच में तीसरा क्यों आएगा, आएगा वो प्यारा नाता मेडिटेशन का है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, मान लो भगवान को आप बुलाएं, कभी बुलाया अपने भगवान को, भगवान को आप बुलाए और भगवान आपके सामने प्रकट हो गए स्टेज पे आ गए, अब भगवान आपको कह रहे हैं कि आप मेरे से बात करो, एक एक बात सब बताओ, अब इतनी भीड़ है सबसे ज्यादा बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन एक एक बात सब करो, आप क्या कहेंगे एक लाइन में बताओ, भगवान आपके सामने है एक लाइन में क्या कहेंगे, भगवान आप मेरे सब कुछ हैं, और क्या कहेंगे जल्दी बोलते जाओ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो प्रभु और मैं आपका हूँ, और आपका साथ हमेशा बना रहे, और क्या कहेंगे, मैं आपसे ही बात करूंगी दूसरे से नहीं करती, आपसे आपसे ज्यादा बातें करूंगी, और मुझे अच्छी बुद्धि दो, कितनी अच्छी बात कही, किसी ने कहा भगवान के पास जाओ तो दुनिया की चीजें मत मांगना, मांगना तो क्या मांगना, अच्छी बुद्धि, बुद्धि अच्छी होगी सारी चीजें आ जाएगी, और अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आई हुई भी चली जाएगी, और क्या बात करिए, एक और बात बताओ, मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना, सबका कल्याण करना, अब जितनी भी बातें आप बता रहे हैं मुझे पॉजिटिव एनर्जी दें, जितनी भी बातें हम बता रहे हैं, और उससे जब वो आएगा, अभी तो सबके सामने आप सारी बातें नहीं बताएं, लेकिन वो आपसे अकेले में 1-to-1 मिले तो आपके पास हजारों बातें होंगी करने के लिए, वो बातें जो अभी बताई नहीं जा सकती आप वो बातें भी कर सकते हैं, और ये सारी बातें ही तो मेडिटेशन है, ये सारी बातें जब आप उससे करेंगे, घर से चलेंगे तो उसको याद करके चलेंगे, किसी काम की शुरुआत करेंगे तो उसे पूछ के करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो पीछे बाइक में उसको बैठाएंगे,
कार में बैठेंगे तो साथ वाली सीट में बैठाएंगे, तो जिस गाड़ी में वो बैठा होगा उसका एक्सीडेंट होगा होगा नहीं होगा। आप उसको बैठाओ, साथ रखो, हर चीज उसके साथ करो। लोग कहते हैं कब मेडिटेशन करनी है, कौन सा टाइम सही है, कब का सवाल नहीं है। आप कभी भी चलते फिरते उठते बैठते कोई भी काम करते मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन वो तब होगी जब मन एकाग्र होगा। और मन को अगर एकाग्र करना है तो कुछ टाइम आपको दिन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बैठ के मेडिटेशन करने, चाहे आप 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, एक घंटा करो। कितनी देर मेडिटेशन करनी चाहिए, जब तक बातें हैं करने के लिए, कोई फिक्स रूल थोड़ी है कि आपने आधा घंटा नहीं की भगवान नाराज हो जाएगा, नहीं। इतनी देर आपके पास टाइम है और बातें हैं, आपको अच्छा लग रहा है करते रहो। फिर क्यों कहते हैं कि 4 बजे उठ के करना चाहिए यार, हमेशा याद रखना चाहिए। पर मेडिटेशन के लिए कहते हैं सवेरे करो तो ज्यादा अच्छा, इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि उस वक्त करना आसान है, उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम है। सवेरे सवेरे अगर आप नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो कब सीखते हैं, रोड पे कब निकलते हैं, सवेरे सवेरे, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, तो सीख जाएंगे तो दिन में भी चलाएंगे। अभी आप नई नई मेडिटेशन सीखेंगे तो सवेरे सवेरे करेंगे, उस वक्त सारे लोग सोए हुए, सबके वाइब्रेशन जो दुनिया के नेगेटिव हैं टॉप हैं, इसलिए वातावरण अच्छा है, उस वक्त करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो मेडिटेशन हमें करनी है अगर समस्याओं का हल निकालना है, क्योंकि आज हम सब कहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। चल रहा है घोर कलयुग, किसके लिए कलयुग चल रहा है, कलयुग किसके लिए चल रहा है, जो कलयुगी संस्कारों को साथ लेके चल रहे उनके लिए कलयुग है, और जो कलयुग में रहते हुए अपने संस्कारों का लेवल थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उन्हें रिफाइन कर लेते हैं, उन्हें डिवाइन बना देते हैं, उन्हें अच्छा बना देते हैं, सब उन्हें सतयुगी बना लेते हैं, तो रहेंगे वो भी कलयुग में, लेकिन उनके संस्कार सतयुगी हैं, कलयुग में रहते हुए भी उनका सतयुग चल रहा होगा। आप चाहते हैं सतयुग में जाना, सतयुग में जाना चाहते हैं, सतयुग मतलब परफेक्ट वर्ल्ड, हर चीज सही है, जहां कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जो भगवान ने खुद बनाई दुनिया वो सतयुग, उसको स्वर्ग भी कहते हैं। तो अगर सतयुग में जाना है या सतयुग को बनाना है, सतयुग अपने आप आएगा या हमें बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। कहते हैं जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा हमारा संसार बनता है, तो सतयुगी संसार तब आएगा जब हम सतयुगी संस्कारों के साथ चलना सीख जाएंगे। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अहंकार लालच दिखा रहे हैं, तो हम कौन से संस्कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कलयुग के संस्कार। हमारा कलयुग और कड़ा होता जाएगा और कलयुग की तरफ हम जाएंगे। और अगर हम कलयुग में रहते हुए अपने संस्कारों को अच्छा बनाएंगे, अगर हम दुआएं देंगे, अगर हम स्नेह देंगे सबको, अगर हम अच्छा सोचेंगे, सबका भला करेंगे, तो हमारे कौन से संस्कार बनेंगे, सतयुग के। तो फिर हमारा सतयुग दुनिया में बाद में आएगा, लेकिन मेरा सतयुग आज से शुरू हो जाएगा। और मेरा सतयुग शुरू हो गया तो मुझे देख के दूसरा भी सोचेगा, अरे ये तो बड़ा खुश रहता है, इसके अंदर इतनी अच्छाई है, वो भी वो संस्कार अच्छाई वाले अपने में लाएगा, उसको देख के तीसरा लाएगा, और धीरे धीरे ये दुनिया कलयुग से क्या बन जाएगी, सतयुग बन जाएगी। सतयुग अपने आप नहीं आएगा। वो कहते हैं हमसे पूछते, कहते कि आप बड़े सालों से कहते हो सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, कब आएगा, जब आएगा
जब हम कलयुगी संस्कारों को विदाई देंगे। एक ने भी शुरू किया उसको देख के दूसरा तीसरा कलयुग के संस्कार खत्म, सतयुग वाले आने लग जाएंगे। वो सत्यनारायण की कथा करते हैं, उसमें कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। अब नर और नारी कहाँ है? कलयुग में हम सब नर नारी हैं। और लक्ष्मी और नारायण कहाँ है? सतयुग के देवता हैं। अब कब करनी कब होगी कि वो नर से नारायण बन जाए? नर अभी है, अब उसने नारायण बनना है, तो नर ऐसी करनी करे, नर वो कर्म कब करेगा जब वो नारायण जैसा बन जाएगा? वो कलयुग में रहते हुए करेगा ना। अभी अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संस्कार लाएंगे, तो हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी के समान बन सकते हैं। बन सकते हैं या नहीं बन सकते? तो आज से यही संकल्प करना है कि भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है, भगवान ने मुझे शिविर में आने का मौका दिया, क्योंकि भगवान मेरे द्वारा सतयुग बनाना चाहता है। भगवान मुझसे सतयुग बनवाना चाहता है, मुझे इसलिए चुना है। हर रोज सवेरे अपने आप को ये संकल्प देना कि मैं वो कर्म करूंगा, सारा दिन वो व्यवहार करूंगा जिससे सतयुग आए, कलयुग आए, वो वाली चीज नहीं करनी। उस तरफ जाना है जिस तरफ सतयुग हो, वो कर्म करने। बहुत जल्दी ये धरा सतयुग में परिवर्तित हो जाएगी। अब मेरे साथ सभी बोलेंगे लास्ट में, तो पक्का होगा मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मुझे इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा सतयुगी आत्मा हूँ। यही चिंतन मेडिटेशन में हम करते हैं और अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं। आज आपके शिविर का यहाँ पर गांधी मैदान में आखिरी दिन है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। एक समाप्ति दूसरी शुरुआत की झलक दिखाती है। एक जगह समाप्ति होती है पुराने साल की, तो नया साल फिर शुरू होता है। तो ये एंड नहीं है, आपकी बिगनिंग होने वाली है। बिगनिंग है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, अच्छा इंसान बनने, अपने जीवन को अच्छाइयों से भरने। तो आज 7 दिन आपके पूरे हुए, हमने बहुत कुछ आपसे बातें की, आपका प्यार हमें मिला, आपका सम्मान हमें मिला। आप हर रोज सवेरे सवेरे यहाँ पहुँचते थे, इसका मतलब आप साधारण नहीं हैं। आप अच्छाई, अच्छी बातें सुनने के लिए आए, इसका मतलब आपके अंदर अच्छाई है। अब उस अच्छाई को बाहर लाना है। आप देवता बन सकते हैं, आप महान बन सकते हैं। तो इस जर्नी को, जो यात्रा शुरू हुई है, इसको अब कंटिन्यू करना है, इसको और आगे बढ़ाना है। अभी तक आपने ABC भी नहीं सुना, जो ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान दिया जाता है उसका ABC भी अब तक नहीं पहुंचा है। अभी आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई गई, मोटिवेट किया गया, आपके अंदर वो उम्मीद पैदा की गई कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो उम्मीद साकार तब होगी जब आप आगे भी इस यात्रा को निरंतर इस यात्रा में चलेंगे। तो आज यहाँ तो आखिरी दिन है, लेकिन कल से आपको जो मेडिटेशन का बेसिक कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है या 3 दिन में भी कराया जाता है, तो कल से ये अनाउंसमेंट करेंगे हमारे भाई अभी